मेरा नाम फैदा मोहम्मद उमड़ है। मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान ज़िला क्वेटा तहसील कुशलाक से। मैं इंटरनेशनल बोर्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने तकरीबन 2008 में स्टार्ट लिया इधरी कुशलाक में, अब तक जारी रखा है। तकरीबन मैंने इंटर खड़ा भी गोल्ड मेडल हासिल किया, तकरीबन 10-12 दफ़ा आल बलूचिस्तान में गोल्ड मेडल हासिल किया। एक मैंने मुनफरद रिकॉर्ड कायम किया 2014-15-16 फेस्टिवल में मुसलसल गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके साथ साथ मैं नेशनल लेवल पे बहुत कारकर्दगी किया, तकरीबन उसमें मैंने 6 गोल्ड मेडल हासिल किया कौमी लेवल में। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल में मैं 2017 में बैंकॉक थाईलैंड गया हूँ। 2018 दोबारा अपने तजुर्बों सलाहियतों के लिए दोबारा गया हूँ। एक दफ़ा माल्टा गया हूँ, वहाँ पर मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। बैंकॉक में तकरीबन मैंने ब्लैक बेल्ट टेस्ट इम्तिहान कामयाबी के साथ पास किया। मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया। जो मेरा कराची का डिप्लोमा है वो मैंने जापान हेड क्वार्टर से हासिल किया है। अभी तकरीबन 2023 दिसंबर के महीने में मैं उधर गया हूँ, ईरान इंटरनेशनल ओपन कराटे चैम्पियनशिप में, उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ये जो मैं कर रहा हूँ इसको मीट कहते हैं। मीट अभी तक देखो हर जगह में सुराग है। अगर हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो इसमें खास सॉफ्ट सही तरीक़ा से वो मीट होना चाहिए। हुकूमत बलूचिस्तान ने हम लोगों का अभी तक मीट दिया ही नहीं। जो मैं एकेडमी चला रहा हूँ, इस एकेडमी में तकरीबन बहुत छोटा जगह है, इसमें हम लोग 25 तादाद है। हुकूमत इसके लिए भी तैयार नहीं है। हम लोगों के लिए एक वो बनाया हुआ है स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, वो संभल के ऊपर है, तो हम लोग वहाँ उधर नहीं जा सकते क्योंकि इधर शहर में एक जगह बड़ा जगह होना चाहिए। तो मुश्किल हर जगह में इधर, ख़ास करके कुशलाक में बलूचिस्तान में हम लोगों के पास हम खिलाड़ी है बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। वो खिलाड़ी जो है अभी तक उसके पास वर्दी नहीं है क्योंकि हम लोगों का जो वर्दी वो बहुत महंगी है। हम लोग जो वर्दी मंगवाते हैं वो डायरेक्ट जापान से मंगवाते हैं क्योंकि ये जापान का कराटे जो है जापान का ईजाद है। हम तकरीबन 50,000-20,000 का एक वर्दी है, लेकिन ये गरीब लोग वो नहीं करते, सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो बच्चों के जो वालिद है वो अक्सर कोई ड्राइवर है, कोई मुलाजिम कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे मुश्किल ही मुश्किल है क्योंकि हम लोगों के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो बड़े लोगों के पास है।